पर दोस्तों जो आज की वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बताया था, तो सूर्य ग्रहण के अंदर कौन कौन सा देश के ऊपर, कौन कौन सी जगहों के ऊपर इसका प्रभाव मिलेगा, भारत के ऊपर कैसा असर रहेगा, सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आधी बातें हमने पिछले पार्ट के अंदर बताई थी, ये अगले पार्ट के अंदर है। तो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो जो ऑस्ट्रेलिया के पास के जुड़े हुए एरिया उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्राकृतिक रिलेटेड इफेक्ट इस घटना को हिला के रख देंगे, मतलब इस घटना को कह रहा हूँ, इस जगह को हिला के रख देंगे। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत देश के अंदर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, भारत देश के अंदर इस ग्रहण के सूतक का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशांत महासागर के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये बात आप समझिए कि जब कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेंजेस सूर्य के किरण के अंदर जब होते हैं, तो अगर भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य ग्रहण है वो इस टाइम के ऊपर मेष राशि के अंदर जो स्टैंड करेंगे, और राहु और सूर्य का एक साथ इनका जो ये कहिए कि इनकी कॉन्स्टेंटली कंजेस्टन बन रहा है जो इनका, वो प्रभाव बहुत बड़ा प्रभावी होगा, क्योंकि मेष राशि के वालों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ संपूर्ण राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब संपूर्ण राशि वालों के लिए इसके ऊपर इस पर लिए प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु ने पूरी कुंडली को इस टाइम के ऊपर अपने प्रभाव में ले रखा है। उन्होंने एक ऐसा जाल बखेर रखा है जो ग्रहों की स्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली चला रही हैं। तो नॉमिनली हम ये कहते हैं कि जब वैदिक शास्त्रों में ये बात कही गई है कि जो ग्रहण का प्रभाव दोपहर में होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और इसके बाद में एक के बाद एक आप ये कहिए कि सबसे बड़ा प्रभाव ग्रहण की स्थिति को 4 महीने तक, मतलब ये कहिए कि ये ग्रहण जो 4 से 5 घंटे का है, तो हम लोग वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वेद धर्मों के अनुसार ये कहते हैं कि हर घंटे का, मतलब ये कहिए हर घंटा एक माह को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 4 से 5 महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले इसके अंदर फूड क्राइसिस का खतरा हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा, किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर से भी इस बात को आप देखिए, उनकी रसोई से जब चूहों ने आक्रमण कर दिया था, तो ये संकेत पहले से मिले थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज, साउथ और ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आप ये कहिए लोगों को जीवन स्तर के अंदर बहुत बड़े बदलावों को समझने के लिए ग्रहण उस स्थिति को बदल के रख देगा, और ये क्लेरिफिकेशन साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पे परेशानियाँ एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी। जिस प्रकार से अगर मैं मतलब भारत की अगर मैं बात करता हूँ, तो बिहार में क्या घटित हुआ ये आप लोगों को पता है। जो हिंसात्मक घटनाएं जो चल रही हैं वो गुरु के कारण, धर्म रिलेटेड मुद्दों में पहले भी हमने 2 वीडियोस में बताया इस बात को। तो बिहार भारत के जो हिस्से में पड़ता है उसके अंदर ये घटनाक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा, और बिहार के साथ साथ मणिपुर के हिस्से में भी ये आप लोगों को दिखाई देंगे। तटवर्तीय क्षेत्र तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, वहाँ पे ये कहिए कि मन के भाव को हिलते हुए बहुत सारे चेंजेस और परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। ये मतलब जब भी इक्लिप्स होता है, जब भी ये आप ये कहिए कि ग्रहण लगता है, तो वो परेशानियाँ समुद्र में जरूर दिखाई देती है, चाहे वो सूर्य के कारण ग्रहण लगा हो, चाहे वो चंद्रमा के कारण ग्रहण लगा हो। तो जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व इसके बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मई, जून, जुलाई तक की जो ये स्थिति बन रही है, ये आने वाले ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन रही है। राजमंडल के अंदर बड़े प्रभाव, बड़े क्षेत्रों के अंदर
हलचल दिखाई देते हुए दिखाई दे रही है। ये कहिए कि आर्मी एक्टिवेट होती हुई दिखाई देती है, गर्माहट बढ़ती हुई नजर आती है मुद्दों के अंदर, चाहे वो हिंसात्मक गतिविधियों के अंदर, चाहे वो युद्ध वाली गतिविधियों के अंदर। ये बार बार एक के बाद एक चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि का कारक है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा जगह जगह के ऊपर। आग का मतलब ये नहीं होता कि कहीं आग ही लग जाए, मतलब ऐसी स्थिति, चाहे वो वाणी के द्वारा आग लगाई जाए, चाहे वो किसी चीज के द्वारा आग लगाई जाए, मतलब ये बात क्लियरली स्पष्ट रूप में हम लोगों को दिखाई दे रही है। अभी इससे पहले जो सौर तूफान आया था उसने कई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के ऊपर प्रभाव डाला था, और सडनली उसके बाद में ये ग्रहण लगा है, तो इसके कारण बहुत सारे चेंजेस इलेक्ट्रिकल मार्केट के अंदर आप लोगों को होते हुए दिखाई देंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर होते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार के ये स्थिति ग्रह योग इस टाइम पे इस ग्रहण के कारण बन रहे हैं, तो परेशानियों का दौर इस ग्रहण के बाद में शुरू हो रहा है, और एक के बाद एक आप लोगों को इस गतिविधियों के अंदर नए नए चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। जो कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोरोना साइंटिफिक तौर के ऊपर इस टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर बार डराता हूं, हर बार बताता हूं, सत्य को आप लोगों के सामने उजागर करता हूं, तो इस बात को समझिए कि कोरोना आएगा। ये भी नहीं कि बेखौफ होकर बिना मास्क लगा के घूमें, मास्क लगाइए, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लीजिए, आप लोगों को नॉर्मल जीवन स्तर की तरह ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि जो गुरु के योग बन रहे हैं, गुरु चंडाल योग बन रहे हैं, उसमें रोगों के ख़त्म होने की आशंकाएं दिखाई देती हैं, ख़त्म होने का समय काल दिखाई देता है, रोगों के बढ़ने का समय काल नहीं दिखाई देता है, तो ग्रहण भी इस बार उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति नॉर्मल रहेगी। हाँ, प्रकृति के रिलेटेड मुद्दे, प्रकृति जलवायु में बड़ा हेरफेर बदल, चाइना के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों को थोड़े ही दिनों में देखने वाली है। चाइना के अंदर बहुत बड़ी स्थिति जल के कारण बदलने वाली है, और इस बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। अभी पूरी शोध चल रही है, हो सकता है नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो के अंदर इस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करके आपको फोटोज़ों के माध्यम से और सारी चीज़ों को दिखाऊँ। तो ये इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाला है। एक दिन के अंदर तीन तरह के ग्रहण को दिखाई देना, तीन अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्थिति में सूर्य का दिखना, यही समय, यही प्रभाव हम लोगों को दिखाता है कि ये समय काल ठीक नहीं है। हम लोगों को संभल के रहना है, अपने अपने परिवार को बचा के रखना है, इस बात को समझिएगा। भारत के अंदर सूतक नहीं लग रहे हैं, प्रभाव कम होगा, लेकिन कुंडलियों में, जातकों की कुंडलियों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।